वरुण एक बार जरा फिर से समझाइए एग्जैक्टली हुआ क्या है जहां तक मदरसन का एडजस्टमेंट है और इस एडजस्टमेंट के बाद अब कंपनी की फेयर वैल्यू क्या निकल कर आती है। डेफिनेटली दीप, तो जैसे कि हमने कल बताया था कि ये कंपनी है ना, दरअसल इसने एक रिस्ट्रक्चरिंग की थी जिसके चलते इसका जो घरेलू वायरिंग का कारोबार है उसको इस कंपनी ने स्पिन ऑफ किया था और आगे जाके संबंधन मदरसन इंटरनेशनल जो है उसका मदरसन सुमे में विलय होने वाला है। तो बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग है ये और उस रिस्ट्रक्चरिंग की आज एग्जेट है। तो बेसिकली जो स्पिन ऑफ होना है उसकी आज एग्जेट है। स्पिन ऑफ मतलब जो वायरिंग का कारोबार है वो आज से इस कंपनी से अलग हो चुका है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिये, मदरसन सुमी के जो शेयर होल्डर्स है उनको इस वायरिंग कारोबार में एक शेयर पे एक शेयर मिलने वाले हैं, यानी कि सेम टू सेम जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाली है और ये कारोबार आज अलग हुआ है। अब होगा क्या, इसी के चलते जो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट है वो कल एक्सपायर हो चुके थे और आज से नए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी हुए हैं। आने वाले दिनों में जो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल है उसका विलय जो है वो मदरसन सुमे में होने वाला है और इस पूरी रिस्ट्रक्चरिंग के चलते आगे चल के जो इंडिया का वायरलेस कारोबार है इनका जो अलग किया है अभी, आगे चल के उसमें मदरसन सुमी जो न्यू मर्ज एंटिटी होगी उसका करीब 33.4% के आसपास का हिस्सा होगा। इस कंपनी की कुल एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे ना, जो मदरसन सुमी अभी लिस्टेड है इसकी वैल्यू निकल के आती है 200 रुपए के आसपास की। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ, जो फिलहाल में इंडियन कारोबार जो वायरिंग का कारोबार डीमर्ज हुआ है उसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू है करीब 70 रुपए के आसपास की FY23 के लिहाज से मैं कह रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें आगे चल के इस कंपनी का करीब 33% के आसपास का हिस्सा रहेगा और जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ जाएंगे, उसके चलते जो एक्चुअली वैल्यू आपको मदरसन सुमी के स्टॉक में मिलेगी वो करीब 15 रुपए के आसपास की है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल की 5 रुपए के आसपास की वैल्यू है और जो मदरसन सुमी है उसकी 180 के आसपास की वैल्यू है, इसके लिए करीब 200 रुपए के आसपास की वैल्यू निकल के आती है। लेकिन ये जो कंपनी है वायरिंग की ये आगे चल के लिस्ट होगी और उसका जो एक्चुअल टारगेट प्राइस में देख रहा था, कुछ कह रहे थे 50 रुपए के आसपास हो सकता है, कुछ कह रहे थे कि करीब 70 रुपए के आसपास हो सकता है। इसके लिए आपने देखा कल जो 235 पे क्लोजिंग हुई थी आज 35 रुपए नीचे खुला और वहां से भी थोड़ी गिरावट जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल रही है। ओके, तो जैसा वरुण ने आपको समझाया, घबराइए मत, जो कंपनी डीमर्ज हुई है उसके शेयर्स आपको मिलेंगे और वो दोबारा आगे जाकर लिस्ट भी होगी। वो डेट अभी तक आई नहीं है, जब आएगी तब आपको वो शेयर्स और उसकी वैल्यू भी मिलेगी। और अगर फिलहाल देखें डीमर्जर के बाद तो मदरसन की फेयर वैल्यू 200 के आसपास आती है, तो वहां से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़े उसके डिस्काउंट पर शेयर कर रहा है। और जो फ्रेश लिस्टिंग